आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हैंडलूम पर बुनाई होती कैसे है। वीवर्स की मेहनत पर नज़र डाल लेते हैं आज, और वीडियो के आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि मशरू बॉर्डर क्या कहलाता है, कैसा होता है। ये विदाउट हैंडलूम बूटा मशीन है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये तीन बुट्टे लग रहे हैं इसमें सिर्फ, और आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी देर लगेगी। और सपोज इसमें 10 या 12 की लाइन हो या 20 की हो, तो फिर कितना टाइम लगेगा आप इसके लिए। तो यही टाइम हैंडलूम बूटा मशीन से बच जाता है अपना। ये जकार्ड वाला हैंडलूम है, ये देखिए, इसमें डबल जकार्ड लगी हुई है, एक बॉडी में बूटी के लिए, और जो सेकेंड जकार्ड है वो अपने ट्रेडिशनल बॉर्डर के लिए है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको पास से। ये वाली जो जकार्ड है ये ट्रेडिशनल बॉर्डर के लिए है, ये नीचे गई है। और ये बड़ी वाली जकार्ड है ये बीच के लिए है, बॉडी में बूटी के लिए। चलिए अपन उस तरफ निकलते हैं, लूम के उस तरफ से देखेंगे। हो गया, चलो। ये देखिए दोस्तों, ये मीना शुरू हो गया है इस बूटे में, और मीने में इसमें डबल मेहनत होती है। ये देखिए, दो बार जो बॉडी वाली जकाट है वो दो बार उठानी पड़ेगी, दो बार तिल्ली डालना पड़ेगी, उसके बाद एक पिक डाला जाएगा, एक नाल फेंकी जाएगी। ये एक नली या बूटी कहलाती है। इसमें सिर्फ चार पुट्ठों का डिजाइन है, क्योंकि ये पखियों वाला काम है इस तरह का। ये देखिए, ये सेकंड जकार्ड है, इसमें बूटा बहुत ज्यादा तिल्ली का है। कितनी तिल्ली का है ये बूटा? 300 तिल्ली। देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं, 300 तिल्ली का बूटा है, मतलब इसमें 300 कार्ड हैं, फिर 300 कार्ड ही पंचिंग किए जाते हैं एक एक करके, वन बाई वन। और आप अंदाजा लगाएं कितनी मेहनत होगी। और हाउ टू पंच कार्ड का वीडियो मेरे यूट्यूब पर डला हुआ है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि पंचिंग कैसे किया जाता है। और ये जो जकार्ड है ये वर्क कैसे करती है, इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। आप सभी से गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल बे ऑफ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उससे आपको क्या होगा फायदा, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। ये बीबिंग भी एक नलिया ही है। क्या होता है, मोस्टली बुनाई 2x2 पिक होती है, मतलब वन एक बार जो अपन बीविंग की जकाट होती है वो उठाते हैं, दो नाल फेंकते हैं दो पिक। लेकिन इसमें देखिए, हर पिक पर जकाट उठाई जाएगी, मतलब एक नलिया बीविंग है। एक प्लेन देख लेते हैं अपन, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो बॉर्डर है उसमें आपको डिजाइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई अलग से डिजाइन नहीं है ऐसा कि जो अलग दिखाए। इसमें डिजाइनिंग के थ्रू क्या है कि देखिए, इसका जो मेन जो जमीन है बॉर्डर की वो लगी है मर्सराइज्ड की कॉटन, मर्सराइज्ड कॉटन, ठीक। और जो इसका उठाव है वो पूना रेशम, रेशम की किनारी है। इसमें क्या होता है कि रेशम नीचे पहुंच जाता है और जो मर्सराइज्ड है वो ऊपर रहेगी,
बस यही इसकी डिजाइनिंग है, खासियत है, इसको मशरू बॉर्डर भी बोलते हैं। अभी मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ इसमें, रोको भाई जरा नीचे से देखें इसको। ये देखिए, ये शाइनिंग आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये शाइनिंग आ रही है। ये रेशम है, नीचे पूरा रेशम है और ऊपर ये है जो अपनी मसराइस है। और ये मेरे छोटा भाई है, ये छोटे भाई को ही है ना, उसमें भी देखिए रेशम की किनारी है, तो एक और काम चला हुआ है। ये हाथ पर रहा है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा देखने के लिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।